के अंदर और 12% का ओवरशेडिंग था बैंक निफ्टी के अंदर। बड़ा हिस्सा शॉर्ट्स का सिस्टम से बाहर निकाल दिया गया था। अब नई खरीदारी आज हुई है, क्योंकि आज मैंने चेक किया कि निफ्टी के अंदर आज लॉन्ग पोजीशंस बनी है। मेरे को शाम का एक बार एफआईएस का नंबर का और वेट करना है। अगर वो 2 से 3% और बढ़ता हुआ आ गया तो मैं अपनी पोजीशंस को 22,500 का, जो मेरा अपना टारगेट है कि सीरीज के अंदर 22,500 आ जाएगा, वो ऑलमोस्ट आने की कगार पर है। क्योंकि 373 तो आ ही गया, तो कोई बड़ी बात नहीं है कि 500 भी आ ही जाए। जो मैं आप सुबह ही आपसे बात कर रहा था कि मेरे को लगता नहीं है कि 22,000 आएगा, 22,500 आने की प्रोबेबिलिटी हाई है। 1700 वर्सेस 600 शेयर आपको एडवांस डिक्लाइन में दिख रहे होंगे। एक और चीज़ मेरे को आज जो बड़ी इंटरेस्टिंग सी लगी है, वो लगी है कि इवेंट से पहले भी ना कुछ शेयर टूट नहीं रहे हैं। मैं थोड़ी देर पहले जब टाटा कंज्यूमर्स को चेक कर रहा था, उसके नंबर्स को चेक कर रहा था, ये चीज़ अच्छी हो रही है कि नंबर से पहले मार्केट के अंदर फियर नहीं है, और जो फियर है भी ना वो पर्टिकुलर पॉकेट में थमके सा रह गया। जैसे आज PNGRB का फैसला आया तो उसने GSPL को तोड़ा, गेल को तोड़ा, वो थोड़ा नीचे जाके बंद हुए हैं। अदरवाइज वैसी कोई प्रॉब्लम नहीं है बाजार के अंदर। और अगर मैं आपको वैसे नंबर्स के हिसाब से भी बताऊँ ना, तो आज नंबर्स भी ठीक है मार्केट के। अच्छा, नंबर्स के हिसाब से मैं बता रहा था, एक पॉइंट और क्लियर कर देता हूँ। आज के मैं वो शेयर्स भी आपको दिखाते हैं, उन्होंने साल का हाई भी टेस्ट किया आज के दिन में। वो है भारती एयरटेल, वो है आइशर मोटर, वो है M&M, ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो BPCL, L&T, ये कुछ एक और शेयर है जिनका आज का मूव काफ़ी स्ट्रांग है, काफ़ी दमदार तरीके से है। आज जो थोड़े कमज़ोर बंद हुए हैं ना, उसमें NTPC और एक HDFC आपको पता है, और NTPC भी आपको ऑलमोस्ट पता ही है। तो मेरे को आज पहले टॉप 50 काउंटर्स में एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं दिखी। और जैसे मैं मिड कैप का, अच्छा एक बार काम करेंगे आप, स्मॉल कैप और मिड कैप का इंडाइसिस की परसेंटेज क्लोजिंग भी दिखाना कि वो कैसे बंद हुए, आपको थोड़ा उसका भी आइडिया लग जाएगा, क्योंकि कन्विक्शन टिपिकली वहीं से बैठती है। तो वहाँ पर भी आपको हरा निशा नहीं दिखेगा। ये स्मॉल कैप का इंडेक्स करीब 1.5%, सेम मिड कैप का भी होगा, वो भी फायर कर देना। तो वहाँ पर भी आप देखेंगे कंडीशन अच्छी है। ज़्यादातर शेयर जिनके मैं अभी नाम बोल रहा हूँ 10-10% ऊपर गए हैं। GSFC, त्रिवेणी, ITI, तेजस, ये सब 10-10% ऊपर है।